की स्क्रीनिंग हो चुकी है, बहुत जबरदस्त खबर उड़ती हुई आ रही है। शाहरुख के फैंस आई थिंक डिलाइटेड, एकदम फुल उस मोड पे होंगे, बहुत अच्छी खबर आ रही है। देखो दो तीन दिन पहले मेरे पास ना एसएमएस आने शुरू हो गए थे, एसएमएस इन द सेंस कि इंस्टा पे और यूट्यूब पे, कि भाई रिव्यूज आउट हुए हैं, आप वीडियो बनाओ। मैंने ये सोचा, मैंने कहा जब तक ऑथेंटिक वेबसाइट से और सोर्सेज से कंफर्म नहीं होगी मैं रिव्यू ऐसे वीडियो नहीं डालूंगा। बट अब बहुत बढ़िया खबर आती हुई आ रही है, आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो जरूर देखना, साथ में स्क्रीनशॉट्स भी लगाऊंगा, हवा में कोई बात नहीं करेंगे। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। यार देखो, जो लोग नए हैं ना, अभी चार पांच साल छह साल से मूवीज को फॉलो कर रहे हैं, पहले तो आपको एक रिव्यू से बता देता हूं। उससे पहले राजकुमार हिरानी की हिस्ट्री है थ्री इडियट्स, क्या मुन्ना भाई के टाइम से, कि वो ना अपनी मूवी की स्क्रीनिंग करवाते हैं टेस्ट ऑडियंस से छह महीने पहले, मैंने पहले वीडियो में बोली है, और दस दिन पहले पूरे ट्रेड एंड और डिस्ट्रीब्यूटर्स स्पेशली उनके लिए स्क्रीनिंग करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं, क्या करवाते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं उनकी हर मूवी का रिव्यू हफ्ता दस दिन पहले पढ़ लेता हूं, फिर सोचता हूं लेट अस वेट। तो वेट तो हम अभी भी करेंगे टंकी के लिए, पर मैं आपको ये खबर बताता हूं कि देखो निखिल वर्मा बॉलीवुड हंगामा के, उन्होंने असासा स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, उन्होंने क्या बोला है कि ये देयर वाज अ टेस्ट स्क्रीनिंग कंडक्टेड फॉर सम क्रिटिक मेंबर्स इंक्लूडिंग अस, ठीक है, देयर इज अनदर स्क्रीनिंग टू विच विल हेल्ड इन अ फ्यू डेज बिफोर, आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पहली बात तो इन्होंने बोला कि टेस्ट स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब इन्होंने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया है डंकी के रिव्यू के लिए, एज इफ कि आपको लगेगा यार वो कितना लिखना चाहता है, कितनी ज्यादा पसंद आई है पिक्चर, बट स्टिल मैं आपको उसमें से कुछ पार्ट्स बताऊंगा जो रेलिवेंट मुझे लगे हैं। देखो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, निखिल चौधरी है, आप सर्च कर लेना एक बार गूगल पे। अभी इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने ये कहा है कि ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, कह रहे हैं रिमेंबर वन थिंग, इफ दिस गोज वेल फॉर एन ऑडियंस, दिस मूवी जो उन्होंने देख ली है, इट विल बी अ ब्लास्ट इन द सेंस पीपल विल गो मैड एंड विल वांट टू वॉच एवरी डे एंड इट विल कम ऑन द न्यूज चैनल्स ऑन टेलीविजन एंड सेकेंडली द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस विल बी वेरी हाई। अब ये बात आ रहे हैं धीरे धीरे, सारा रिव्यू कवर करते हैं। ये बात मैं कब से आपको बोल रहा हूं कि हिरानी साहब की जो मूवीज हैं वो बाद में काम करती है रिलीज होने के, वो पहले तो कुछ दिखाते ही नहीं है, और उससे करेक्टेड इन्होंने क्या लिखी है बात आ गया। अब मैं पढ़ लेना एक बार इंटरव्यू, फिर स्टिल मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सर्ट्स बता रहा हूं। फिल्म स्टार की अगर बात करें तो इन्होंने भाई 4 out of 5 स्टार्स दिए, एक और क्रिटिक ने 4.5 दिया, उनका नहीं मैं इनका भी डाल रहा हूं। अब इन्होंने क्या लिखा है, नाउ इट्स योर टर्न टू सी एज मी एंड सम ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स हैज वॉच्ड इट एट द स्क्रीनिंग हेल्ड, सो गेट प्रिपेयर्ड एंड फास्टन योर सीट बेल्ट्स फॉर एन एज थ्रिलिंग एडवेंचरस फैमिली एंटरटेनमेंट विद सम एक्शन पावर पैक्ड इमोशंस फैमिली ड्रामा विद सम गूस बम्प सीन्स प्रेजेंट, गूस बम्प सीन्स प्रेजेंट। मेरी वीडियो उठा के देख लेना, मैंने हर वीडियो में बात बोली हुई है कि आई एम एक्साइटेड फॉर दोस एडवेंचरस पार्ट, दैट जर्नी विच इज गोइंग टू हैपन इन दिस मूवी, ठीक है। अच्छा, और इन्होंने एक हाईलाइट कर रहा हूं मैं, इन्होंने क्या बोला, डायलॉग वायलॉग्स के बारे में भी बोला है इन्होंने, देयर आर एक्साइटिंग स्केरी टाइप ऑफ नाइट सीन्स इन द फिल्म टू। भाई सोच रहे हो मतलब क्या लिख रहा है बंदा। और मैं ये भी बताता हूं, जो मैंने इनका रिव्यू पढ़ा है, मेरा कंक्लूजन क्या है लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगा। एक और चीज देखो, द ट्रेलर इज नथिंग एज कंपेयर टू द मूवी, इफ इट सूट्स ऑडियंस एंड दे लव इट, आई कैन टेल यू देर इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ यूनिक थिंग्स इन इट विच आर नॉट शोन इन ट्रेलर ड्रॉप नंबर 4। अ गुड फिल्म विद एन एंगेजिंग स्टोरी विद पावर पैक इमोशंस, यू विल गेट टू सी शाहरुख इन ऑल फॉर्म्स डूइंग सम एक्शन, डूइंग अ लॉट ऑफ ड्रामा इन हाफ इन ड्रामा इन हाफ ऑफ द सीन्स, टाइट इमोशंस, थ्रिलिंग एंड स्केरी सीन्स। अब देखो नटशेल में इन्होंने क्या लिखा है, देयर आर टाइट इमोशंस इन द फिल्म विच विल मेक यू क्राई, स्पेशल फिल्म ड्रामा सीन्स आर गुड फैमिली सीन्स विच टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन, आई वोंट इवन से दैट दिस इज फॉर अ स्पेशल ऑडियंस, एवरीवन मस्ट सी इट बिकॉज इट्स अ यूनिक फिल्म, एंड वन लास्ट थिंग आई विल से दैट प्लीज मेक सच टाइप ऑफ फिल्म्स रियली एंजॉयबल, द सीन्स शो इज आउटस्टैंडिंग एंड ब्रिलियंट, आई मीन सम 2% बी सी इन एवरी फिल्म। भाई मतलब ये बहुत बड़ी बात बोल रहा है बंदा, कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग फिल्म, वेरी आउटस्टैंडिंग यूनिक फिल्म, फर्स्ट हाफ दे आर गोइंग टू शो दैट दे आर गोइंग टू लंडन एंड सेकंड हाफ इश्यूज दे आर कमिंग बैक टू इंडिया एंड फेस इवन अ वर्स। देखो भाई मैं एक चीज पता है आपको बोलता हूं कि अगर ये रिव्यू जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूं ना यार, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग, ये देखो मैं अब ये कहूंगा कि यार अभी वेट तो हमें करना पड़ेगा बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज देयर
उनका अपना परसेप्शन है मूवी को देख के, हमारा तो नहीं है, हम तो पब्लिक हैं, हम 21 को देखेंगे, बट इनके रिव्यू देखने से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इनको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है कि लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं। और यार देखो, मुझे नहीं लगता अगर बॉलीवुड हंगामा में छपा है ना तो कुछ ऐसा फर्जीवाड़ा वाला काम होगा। और टेस्ट स्क्रीनिंग होती है राजकुमार हिरानी की हर मूवी में, आपको कंफर्म बता सकता हूं, ये 7-8 दिन 10 दिन पहले करते हैं और हर बार की तरह इनकी मूवी के जबरदस्त रिव्यू निकल के आते हैं। बाकी आप कमेंट करके बता दो कि आपको क्या लगता है कि आपको मूवी के लिए एक्साइटमेंट बढ़ी है या घटी है। और भी बहुत सारी अपडेट्स आएंगी आज या कल में आएंगी, सलार के लिए भी है। बने रहना मेरे चैनल पे, फिर मैं चर्चा विद कुणाल, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।